यहाँ पे वीडियो के चक्कर में अभी गाड़ी गिर गई थी। एम टी पे गाइस स्क्रैचेस आ गए हैं, इसका जो गियर एकदम मुड़ गया था, एकदम जाम हो गया था एकदम। गलती गाइस ये हुई कि ढलान में गाड़ी खड़ी कर दी। सो हे गाइस, कैसे आप सभी, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का इस वीडियो शुरुआत की हो रही है भाई, शाम के 7 बजे कर रहा हूँ भाई अभी मैं, क्योंकि अभी मेरे को टाइम मिला है वीडियो बनाने का, तो अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया है ब्लॉग। दिन तो मेरा बाइक पे ही लगा क्योंकि भाई पूरे दिन बाइक चला रहा था गांव। सुबह जब 8 बजे गांव से निकल गए थे, गांव से जब भाई गांव में, तो यार तो आज सुबह जब हम लोग गांव से निकल ही रहे थे, ठीक है मैं आपको सीन बताता हूँ। आज सुबह जब हम गांव लोग से निकल रहे थे, इसे बंद कर देता हूँ पहले, तो आज बताता हूँ आप लोगों को सीन। सुबह जब हम लोग गांव से निकल रहे थे ना, तो मुझे ना ब्लॉगिंग के लिए मतलब थोड़ा मैं गांव का भी मतलब गांव की भी वीडियो बना रहा था ना, साथ में अपनी भी, क्योंकि गांव का जो व्यू आ रहा था ना गाड़ी के साथ तो बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना थोड़ी बहुत क्लिप गांव की भी बनाई जाए बाइक के साथ ही, तो बस उसी क्लिप में लग गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ, 2-3 क्लिप बनाने के बाद ना, जब हम थोड़ा थोड़ा गाड़ी ना थोड़ा ढलान में आ गई थी आगे को ना, तो जैसे ही मैंने गाड़ी खड़ी करी स्टैंड में, गाड़ी थोड़ा ढलान में थी, तो हल्की सी ना गाड़ी अपने आप ही थोड़ा आगे चली गई यार, स्टैंड अपने आप हट गया गाड़ी के नीचे से, एंड गाड़ी पटक गई यार नीचे सीधा, एंड इस पे गाड़ी को थोड़ा स्क्रैचेस आ गए थे, एंड इसके जो गियर है ना वो जाम हो गए थे, मतलब गियर का जो गियर जिससे गियर चेंज करते ना वो थोड़ा मुड़ गया था भाई, तो गियर चेंज करने में दिक्कत हो रही थी। तो जैसे तैसे करके तो डे प्रैक तो ले आया भाई, एडजस्ट करके भाई थोड़ा बहुत तो मतलब वहां तक आ ही गए। उसके बाद क्या हुआ, देवप्रयाग में मैंने सही कराया, ये हम लोग आ गए ऋषिकेश। ऋषिकेश में 1-2 घंटे मौसी के यहाँ रुके, वहाँ से खाना खुना खाया, फिर उसके बाद हरिद्वार आ गए। हरिद्वार आते ही भाई जरा सा भी आराम नहीं किया, सीधे चला गया सर्विस सेंटर, ठीक है। गाड़ी की सर्विस करानी थी यार, क्योंकि 1200 से ऊपर चली गई थी, 1300 के करीब तक चली गई थी गाड़ी, एंड इसकी सर्विस 1000 किलोमीटर पर करनी थी, तो मैं चला गया सीधा सर्विस कराने, ठीक है। जैसे ही सर्विस सेंटर पहुंचा, मैडम ने मेरे से मांगी सर्विस बुक, मैंने सर्विस बुक दी। उसके बाद मैडम ने देखा, भैया बोला आपकी तो सर्विस की फर्स्ट सर्विस की जो डेट है वो तो डाई हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। मैं को ये क्या माजरा है, ऐसा भी होता है क्या, मुझे तो पता नहीं था कसम से, मैं थोड़ा लोल हूँ पर मेरे को पता नहीं था, बट पता चल गया क्योंकि भाई अभी मतलब गाड़ियों के बारे में धीरे धीरे जानना शुरू करा, मतलब ज़्यादा धीरे धीरे तो पता चलेगा ना यार, एक बार ही तो पता चलेगा नहीं। तो जैसे ही मैं आ गया, उन्होंने कहा भाई आपकी पहली सर्विस की डेट जो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपने 29 तारीख को बाइक ली थी और आपको आना था अगली 29 तारीख को, 1 महीने बाद आपने आया नहीं, आपने तो आधा महीने से ऊपर भी हो गया आप आया ही नहीं, तो ये डेट तो आपकी एक्सपायर हो चुकी है, आप फर्स्ट सर्विस नहीं हो पाएगी, सेकेंड सर्विस होगी, मतलब सीधा सेकेंड सर्विस। अब भाई मैं तो सर खुजाता रह गया, मैंने कहा भाई ये भी माजरा था, मैंने तो सोचा था, मैंने कहा 1-2 दिन बाद थोड़ा लेट भी हो जाए चलो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट सर्विस हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं था भाई, जो डेट वो देते ही हैं बस उसी डेट को करना चाहिए, वरना फर्स्ट सेकेंड ऐसे सर्विस की जो उनकी जो सर्विस की डेट दी रहती है उसी टाइम सर्विस करानी चाहिए, वरना वो डेट एक्सपायर हो जाती है भाई, ये मुझे आज पता चला भाई। तो मैं क्या करता भाई, मैंने सीधा अपनी सेकेंड सर्विस स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो मैंने कहा भैया अब सेकेंड सर्विस ही स्टार्ट कर दो, फिर और मैं करता ही क्या यार, सर्विस तो करानी थी गाड़ी की, तो चाहे फर्स्ट तो हुई नहीं, अब सेकंड ही करवा दो। मैंने कहा चलो सेकंड सर्विस करी, एंड उसके बाद ये थोड़ा अभी तो इसमें मुझे चेंजेस ये लग रहा है, बस थोड़ा बहुत स्मूथली चल रही गाड़ी, अब थोड़ा ना धीरे धीरे मतलब थोड़ा मस्त चलने लगी है, एंड उसमें चेंज कुछ, एंड जो सेकेंड सर्विस में जो हुआ सेकेंड सर्विस में क्या क्या चेंज हुआ वो बताता हूँ मैं आप लोगों को। साइड निकलना पड़ेगा यार। तो भाई ये हुआ था सर्विस के टाइम पे मेरे साथ, तो अगर आप लोग भी नए राइडर हो, अगर आपको पता भी नहीं है गाड़ी के सर्विस का, तो भाई ये वीडियो देख लेना यार, समझ जाना कि भाई टाइम पे ही सर्विस कराना, मेरी तरह गलती मत करना भाई कि भाई 1-2 दिन बाद करवा दूंगा, जो डेट दे रखी उसी डेट को ही कर देना भाई सर्विस, मेरी तो करी नहीं, मैंने मैडम से कहा था। एंड दूसरी चीज़ ये यार कि गाड़ी अगर मेरे नाम पे, अगर गाड़ी अगर मैंने अपने नाम पे निकाली तो पहला कॉल मुझे करना चाहिए ना इन्हें, तो शोरूम वालों ने क्या कर रखा, मेरी जगह भैया और का नंबर डाल रखे, अब भैया अगर यहाँ होंगे नहीं तो वो कहाँ से सर्विस करवाएंगे भाई, है नहीं।
अब ये तो है नहीं कि पहले ये उन्हें कॉल करेंगे फिर ये उन्हें बोलेंगे कि भैया हमने आपको बता दिया, अब उनको बता देना कि सर्विस कराने आ जाएंगे गाड़ी। ऐसा थोड़ी होता है यार, जब गाड़ी मेरे नाम पे है तो मेरा नंबर देना चाहिए ना अपनी। यार आज मतलब दिन थोड़ा ख़राब ही गया वैसे, आज का पूरा दिन ख़राब ही गया वैसे तो। सर्विस भी कैंसिल हो गई, गाड़ी भी अपने आप ही गिर गई, बट कोई नहीं, ध्यान रखना चाहिए भाई हर चीज़ का। ये होते हैं इन्हें कहते हैं अमिताभ बच्चन जी, आप ही गए जी। जैसे कि बच्चन जी ने कहा, देखा लापरवाही का नतीजा तो यही है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, हर छोटी छोटी बात का ध्यान देना चाहिए भाई। जिन्हें आप लोग इग्नोर कर देते हो ना, वो इग्नोर यार वैसे करनी नहीं चाहिए। अब जैसे मैं था, मैंने क्या बोला था वीडियो में, एक बार जरा सुनो, दोबारा सुनो एक बार, मैंने क्या कहा था वीडियो में। लोगों को सर्विस पे यार उनके कॉल भी आ चुके थे, बट उस टाइम मेरा मूड नहीं था सर्विस कराने का। भाई साहब मैं अपनी बात पे हंसी आ रही, भाई मेरा मूड नहीं था, मैंने सर्विस नहीं, मेरा उस टाइम मूड नहीं था सर्विस कराने का। एंकर ले भाई, एक सर्विस कैंसिल हो गई एमपी की यार, शिट। बट कोई नहीं यार, आगे से मैं ध्यान रखूंगा भाई, सर्विस का पूरा ख्याल रखूंगा। सही में यार लोल हो गया, लोल मजाक में। एंड गाइस गांव में भी काफ़ी मज़ा आया भाई गाड़ी चलाने में, बट गांव में थोड़ा ना पत्थर से है, गांव की रोडें जो है ना एकदम थोड़ा अभी पक्की नहीं बनी है, मतलब गांव की साइड अभी रोडें पक्की नहीं है, तो भाई वहां तो भाई पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े, रोडों को काम चलता रहता है वहां पे। बस ये है कि टायर की रेड मर जाती है भाई वहां, क्योंकि पत्थर ऐसे रहते हैं ना भाई, वो तो वाट लगा ही देंगे टायरों की। तो भाई ठंड बढ़ती जा रही है, अब मैं चलता हूँ घर। ये देखो भाई, लव यू हरिद्वार नगर निगम। वाह भाई ये क्या हो गया भाई, मैं सोच रहा फिर गियर अटकने स्टार्ट हो गए क्या, सुबह ही तो सही करवाया था। अबे थोड़ा आगे भी रोक ले, एकदम से रोक रहा, अच्छी खासी मेरी गाड़ी की पॉलिश उतर जाती है अभी, ठुक के सीधा इस पर। ये पता नहीं क्या करना चाह रहा है, मैं निकल जाऊँगा क्या, जाने नहीं दे रहा सारा दिमाग कर रहा। एंड गाइस अभी का तो जो गांव का काम था वो ख़त्म हो चुका है, मस्त सी अब की बार कोई मस्त सी ट्रिप प्लान करते हैं और सीधा घूमने चलते हैं पहाड़ों पे, भी चले जाएंगे भाई, क्योंकि केदारनाथ चंद्रशिला तुंगनाथ ये एरिया तो मैं घूम के आ गया। अब जाना है या तो बद्रीनाथ जाएंगे या फिर गंगोत्री की साइड, इधर ही जाना पड़ेगा। केदारनाथ तो हुआ है, मैं दूसरी जगह देखेंगे कोई मस्त सी। एंड यार थोड़ा बहुत ना यार मेरी वीडियो को थोड़ा पूरी वीडियो देखा करो यार, क्योंकि अगर आप लोग आधे में से छोड़ के जाओगे या 10-10 सेकंड स्किप करके आगे जाते रहोगे तब तो यार थोड़ा वो कुछ फ़ायदा नहीं है यार। थोड़ा मतलब जल्दी से जल्दी यार मेरे चैनल मोनेटाइज करवा दो, वीडियो को पूरी देखा करो यार, एंड थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो यार जरा। अगर आपसे पूरा शेयर नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत तो शेयर करो यार अपने दोस्त किसी के साथ भी, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। एंड एक चीज़, हाँ यार आप लोग अगर सब्सक्राइब करते भी हो ना तो सब्सक्राइब करने के बाद ना वो जो बेल आइकन होता है ना उसे भी दबा दिया करो साथ में। कोई लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब तो कर देते हैं बेल आइकन को नहीं दबाते, बेल आइकन भी दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो की ना। तो ठीक है, तो मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, अभी मेरा घर भी आ चुका है तो मैं जाता हूँ घर। टाटा सी यू, लव यू सबको भाई दिल से।